केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता अनिल मोर ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। 47 साल के लंबे चौड़े राजनीतिक करियर के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से इस्तीफा दे दिया। खुद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, पहला यही सवाल है, 47 साल का लंबा चौड़ा अनुभव था, आज आपने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्री पद से और राज्यसभा पद से, ऐसी क्या वजह रही आपने इस्तीफा सौंपा? देखिए, आप ये मान के चले कि दीन बंधु छोटू राम जी, जिनका एक देश के इतिहास में किसान और कमेरा वर्ग के लिए जो उनका योगदान था, वो लगभग 100 साल से ये विरासत जो मुझे मिली उसको मैं आगे निभाने के लिए, ताकि कमेरे वर्ग और किसान के हकों की लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ी जाए, तो मैंने ये फैसला किया। और मेरे बेटे ने भी, जो एक बहुत ही उच्च अधिकारी है IAS का, उसने भी मेरा इस बात में साथ दिया कि अगर आप ये समझते हैं तो मैं राजनीति से प्रवेश कर सकता हूं। आपने इस्तीफा सौंप दिया है, बीजेपी आलाकमान का क्या कहना है, क्या बातचीत हुई उनसे? पार्टी जो, उन्होंने यही कहा कि ये हम देखेंगे क्या, कब किस समय पे क्या उचित है। बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया, आपके राजनीतिक वारिस भी अब आपके बेटे रहेंगे, टिकट मिलने पर क्या कहेंगे और हिसार की लड़ाई कितने सम्मान के चल रही है? देखिए, एक तो आप ये मान के चलें कि ये जो कदम है भारतीय जनता पार्टी ने, जो मेरे बेटे को प्राथमिकता दी है, मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का और हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा एक नई शक्ति के साथ, जो आज के युवाओं के एस्पिरेशन, विरासत सर छोटू राम की संभाल ली। हाँ बिल्कुल, मेरी विरासत नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी जिम्मेवारी इसलिए बहुत बड़ी है कि वो छोटू राम जी की विरासत संभालने का प्रयास करेंगे। कितने हद तक वो कामयाब होते हैं मैं आज तो नहीं कह सकता। और जहाँ तक आपने चुनाव की बात की, चुनाव तो मैदान में उतरे हैं तो लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ता है आदमी। बिल्कुल, देखिए अब जो सर छोटू राम की जो राजनीतिक विरासत है वो उनके बेटे विजेंद्र सिंह संभालेंगे। कैमरामैन जसपिंदर के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक दिल्ली।